जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम वो क्विज से रिलेटेड कुछ पूछना था आपसे। मैम दो तीन ऐसे एमसीक्यू थे जो हमें लगा कि ठीक है, और हमने लेक्चर्स में भी था कि यही आंसर है, लेकिन वो क्विज में गलत हुए हमारे। वो मेरे तक ईमेल, लेकिन अभी तक ना मैंने उसकी की चेक नहीं की, मुझे टाइम नहीं मिल सका, कुछ मसरूफियत थी दूसरे ऑफिस के कामों की वजह से। मैं उसको चेक करूंगी तो फिर मैं कमेंट कर सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम था। क्वेश्चन को पढ़ूंगी, की अगर गलत है तो की अपडेट हो जाएगी, आपकी ग्रेडिंग जो है वो अपडेट हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। और वो क्वेश्चन जो है वो ईमेल पे मेरे पास आ गए हैं कि जिनमें आपको प्रॉब्लम था। आई थिंक तीन क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे, तीन में प्रॉब्लम है, वो मैं चेक करूंगी तो फिर बेटा मैं कॉमेंट कर सकती हूँ। तो अभी मुझे एक दो दिन दे दें ताकि मैं उसको देख के फिर आपको बता सकूँ। ठीक है ओके जी मैम। मैम, थैंक यू। हाँ जी फातिमा। जी मैम, बस मैंने यही कहना था कि वो जो आपको मैंने मेल की थी उसमें मैंने क्वेश्चंस बता दिए थे, तो काइंडली बस चेक कर लीजिए। ठीक हो गया, मैं वो देखूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। जी मैम, मैंने भी आपको मेल की थी, उसमें तीनों एमसीक्यूज मैंने एक्सप्लेन किए थे कि आपने क्या क्या आंसर्स के बनते हैं, क्योंकि स्लाइड्स में भी थे, आपकी रिकॉर्डिंग में भी थे उनके आंसर्स, तो वो लेकिन की में वो नहीं थे। जी ठीक है बेटा, वो ईमेल्स मेरे पास हैं, वो जिस वक्त भी मैं देखूंगी मैं उसको जो है ना वो क्रॉस चेक कर लूंगी उसके साथ, बट अभी मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, मैंने की क्या बनाई, हो सकता है कि जो है वो गलत बन गई हो, वो कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, स्क्रीन का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं ये ज्यादा आपका इंटरवेंशन और जो एक्सरसाइजेस हैं उनसे रिलेटेड है, लेकिन एक्सरसाइजेस की जो थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो ज्यादा बेसिक इस टाइम पे थेरा टू में रिक्वायर्ड है, वो है आपके मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन या स्पाइन की जो पैल्पेशन से रिलेटेड चीज है उसको हम प्रैक्टिकल्स जब करेंगे तब परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज ये जो एक्सरसाइजेस हैं आज जो हम पढ़ने लगे हैं इसकी थियोरी जो है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ स्टेबिलाईजेशन एक्सरसाइजेस हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप लोग पहले पढ़ चुके हो, उसको जस्ट पर्टिकुलर मसल के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, उसका तरीका देख लेते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आज हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक जो पीछे हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने गाइडलाइंस देखी थी कि आपने पेशेंट को स्पाइनल डिसऑर्डर्स के साथ ट्रीट कैसे करना है। उसमें हमने जिक्र किया कि जी हमारे पास फ्लेक्शन बाइस्ड होगा तो उसको फ्लेक्शन कराएंगे, एक्सटेंशन बाइस्ड होगा तो एक्सटेंशन कराएंगे, और हमने सारी चीजें पढ़ी कि हम उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे करनी है, वो कब करनी है, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसको आज हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक आज का हमारा चैप्टर है या लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को देखेंगे, स्टेबिलाईजेशन टेक्निक्स को देखेंगे, और आइसोमेट्रिक और जो डायनामिक एक्सरसाइजेस हैं इनको जो है हल्का सा गो थ्रू करेंगे। चीजें आपको पता है, सिर्फ हमने मसल्स और पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको जो है वो बताना चाह रही हूँ। अब जो स्टार्ट करते हैं इसमें,
जो हमारे पास स्पाइनल रिहैबिलिटेशन की जो फाउंडेशन है या जो फंडामेंटल इंटरवेंशंस हैं उसमें हमारे पास बेसिक ये चीजें जो हम पिछले काफी लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, काइनेस्थेटिक अवेयरनेस पेशेंट की, स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग। स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग में लास्ट टाइम में मेरा ख्याल है क्वेश्चन हुआ था कि कोर की करेंगे कि ग्लोबल की करेंगे, तो बेटा दोनों की हमें जरूरत होगी, कोर का अपना काम है, ग्लोबल का अपना काम है, ठीक है, इसको अभी आगे देखते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग में आपकी जो एक्टिविटीज हैं फंक्शनल एक्टिविटीज उनको फिर आगे आपने पेशेंट के साथ कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास लंबर को हमने डिवाइड इस तरह से किया है कि हम सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन को देखते हैं इकट्ठे, मिड सर्वाइकल सॉरी मिड थोरेसिक, लोअर थोरेसिक रीजन को हम देखते हैं और लंबर रीजन को, समटाइम्स सेकेंड और थर्ड को जो है ना वो हम इकट्ठा जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, मसल्स भी जो है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा रहे होते हैं, तो उसको हम जनरल एक्सरसाइजेस में इकट्ठा उसको हम टेक्निक्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग की जो टेक्निक्स हैं उसकी अगर मैं आपको एक बेसिक जो है वो रिवाइज कराने की कोशिश करूं कि अगर लेट से आप कोई एक मूवमेंट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेट से आप एक्सटेंशन को जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन तभी आपकी नॉर्मल होगी जब उसका एक्सटेंशन का ऑपोजिट ग्रुप जो है वो अपनी न्यूट्रल लेंथ में हो और वो आपको अच्छी खासी लेंथ जो है रेंज ऑफ मोशन जो है वो अलाउ कर रहा हो तब। अगर आपका ऑपोजिट ग्रुप जो है वो टाइट है, लाइक आपके फ्लेक्सेस जो हैं वो टाइट हैं, वो एक जगह पे आके रुक जाएंगे, वो उससे ज्यादा लेंथ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो जो आपकी एक्सटेंशन थी ना वो आपकी कम हो जाएगी, उसकी रेंज रिड्यूस हो जाएगी। ये स्ट्रेचिंग का बेसिक जो है वो आपका कॉन्सेप्ट है। अब लाइक आप सर्वाइकल और अपर थोरेसिक रीजन की अगर आप एक्सटेंशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके थोरेसिक और सर्वाइकल के जो फ्लेक्सेस हैं वो इतने ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि वो आपको अच्छी खासी रेंज दे सके, जो नॉर्मल रेंज है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्निक्स किस तरह की अप्लाई करते हैं कि थोरेसिक की एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप पेशेंट के साथ ओवरहेड उसकी एलिवेशन शोल्डर्स की जो है वो कराएं, ठीक है, विदाउट एनीथिंग, कोई रोल नहीं, कोई टॉवल नहीं, सिंपल सुपाइन लाइन में या क्रोक लाइन पोजीशन, जो कि ये पोजीशन है, क्रोक लाइन पोजीशन के अंदर आप सिंपल अगर शोल्डर्स की जो है वो एलिवेशन और एबडक्शन कराते हैं तो उस वक्त आपके जो फ्रंट के मसल्स हैं, जो चेस्ट के मसल्स हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच आता है। अगर वो टाइट होंगे आपको जो मूवमेंट है उसमें करने में मुश्किल होगी। अब स्ट्रेचिंग का हमने करना ये है कि हमारे फ्रंट के जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस हो और आपकी एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में एग्जीक्यूट हो सके। अब उसको फिर हम प्रोग्रेस किस तरह से करते हैं, उसकी प्रोग्रेशन जो है, आप देखो एक दिन आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसको क्रोक लाइन पोजिशन में शोल्डर्स की जो है वो एबडक्शन और एलिवेशन कराई, उसको स्ट्रेच फील हुआ, फाइन, आपने एक दो दिन उसको रिपीट किया, अब पेशेंट ऐसी पोजीशन में है कि अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई स्ट्रेच फील नहीं हो रहा, अब आप उसको प्रोग्रेस कैसे करेंगे, तो प्रोग्रेस के लिए फिर हम ये करते हैं कि ये जो आपको ए पिक्चर नजर आ रही है इसमें हमने क्या किया कि एक रोल जो है, थेरेप्यूटिक रोल्स होते हैं या आप इसको टॉवल का रोल भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ा सा फर्म भी हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो कि वो बिल्कुल ही प्रेस हो जाए, ये हम रोल जो है वो लॉन्गिट्यूडनली सर्वाइकल और खास तौर पे जो आपकी अपर थोरेसिक रीजन है स्कैपुला के दरमियान में जो एरिया है हम उसमें पेशेंट को जो है वो प्लेस कराते हैं और उसके ऊपर पेशेंट को कहते हैं कि आप अब जो लाइन पोजिशन है उसके अंदर आए, क्रोक लाइन पोजिशन है। अब इस टाइम पे जब आप पेशेंट को मजीद, अब देखो स्पेस क्रिएट हो गई शोल्डर्स के दरमियान में, अब जब मजीद आप शोल्डर्स की एलिवेशन जब आप कराते हैं, आर्म्स की एलिवेशन जब कराते हैं ओवरहेड, तो उसमें जो फ्रंट के ऊपर स्ट्रेच का एलिमेंट है वो बढ़ जाता है। अब पेशेंट इसके अंदर भी काफी हो गया, स्किलफुल हो गया, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, अब उसको मजीद आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, अब ये जो आपकी ओवरहेड एलिवेशन थी ना उसको आप किधर ले आए, आप 90 डिग्रीज की आप एबडक्शन के ऊपर ले आए। अब जब 90, ये एल्बो 90, शोल्डर 90 के ऊपर जब आप पेशेंट की एबडक्शन कराएंगे, अब वो जब पेशेंट का शोल्डर जो है वो टुवर्ड्स बेड मूव करेगा तो वो एक्स्ट्रा जो आपका इफेक्ट है वो किधर आएगा, आपके
शोल्डर जो चेस्ट के मसल्स हैं उनके ऊपर. अब चेस्ट के मसल्स आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं, ठीक है. अब ये आपको क्या करेंगे, और नेक भी आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो वो जो सर्वाइकल और थोरेसिक अपर रीजन था उसके फ्लेक्सर मसल्स के अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आएगी तो वो आपको एक्सटेंशन की रेंज जो है वो क्या करेगा, प्रॉपर और न्यूट्रल रेंज जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं. सर्वाइकल और अपर थोरेसिक की ही हम बात कर रहे हैं, बट अब क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपको फ्लेक्शन की जो है वो रेंज कंप्लीट चाहिए, फ्लेक्शन अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको किसकी स्ट्रेचिंग करानी पड़ेगी, आपके एक्सटेंसिस की. और सर्वाइकल और अपर थोरेसिक की और अपर सर्वाइकल की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपके सब ऑसिपिटल मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसर मसल्स हैं, सब ऑसिपिटल मसल्स हैं, इनकी अगर आपको स्ट्रेचिंग कराने की जरूरत पड़ती है जब आपको फ्लेक्शन रिक्वायर्ड हो. तो ये जो आपकी ये सेल्फ स्ट्रेचिंग एक तरह से आपको दिखाई भी है कि इसमें पेशेंट जो है वो खुद से भी परफॉर्म कर सकता है, एक तरह से इसमें असिस्टेंस भी आ जाती है. वो कुछ इस तरह से कि जब आप अपने बाजू जो है वो या अपने हाथ जो है वो सर के पीछे प्लेस करते हैं तो वो जो आपका एलिमेंट है ना पेक मेजर का, पेक्टोरलिस जो मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है. अगर आप लोग अभी बैठे हुए हो तो साथ साथ आप परफॉर्म भी करके देख सकते हो कि अगर आप सिंपल अपने हाथ प्लेस करो सर के पीछे तो आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो आपके इंटीरियर जो चेस्ट मसल्स हैं उनके ऊपर फील होगा. अब उसके साथ आप क्या करें कि अब आपने जब स्ट्रेच करना है सब ऑसिपिटल मसल्स को, ठीक है, तो इसमें आप या अभी सब ऑसिपिटल की हम बात नहीं करते, अभी हम इसकी सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर की बात करें कि जब आप हाथ पीछे प्लेस करेंगे तो ये स्ट्रेच एलिमेंट इसके ऊपर आपको फील होगा, ठीक है. इसकी दूसरी जो मूवमेंट बनती है वो आप कंप्लीट अपनी जो एल्बोज हैं उनको टच करते हैं, ठीक है. अब जब ये मूवमेंट है इसमें आपकी रेस्पिरेशन का भी जो है ना वो फैक्टर इन्वॉल्व है, आपको जो प्रॉपर ब्रीदिंग है पैटर्न वो भी इसके अंदर फॉलो करना पड़ता है. ए पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेच अप्लाई हो रहा है पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस मसल्स दोनों जो हैं आपके इंटीरियर थोरेक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब आप इंस्पायर करते हो उसके साथ भी आपका जो है वो स्ट्रेच का एलिमेंट आ रहा है, और जब आप पेशेंट अपनी एल्बोज को जो है वो टच करेगा फ्रंट की तरफ लेकर आएगा तो उस टाइम आपकी जो है वो उसको एक्सपायरेशन को जो है ना वो ये मूवमेंट फैसिलिटेट करेगी, ठीक है. ऑटोमेटिकली आपका वो जो चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस होगी और रिडक्शन जो है वो आपकी एक्सपायरेशन को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है. देन आप आगे आते हैं सर्वाइकल के ऊपर. सर्वाइकल रिट्रैक्शन की बात करें तो इसमें आपके जो मसल्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके वो है स्कैलेनी मसल्स, ठीक है. स्कैलेनीज का जो है ना वो काफी रोल है डिफरेंट मूवमेंट्स में, अगर वो यूनिलैटरल का अलग रोल है, बाइलैटरल का अलग रोल है. असल में आपके जो स्कैलेनी मसल्स है ना वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो है वो अपर सर्वाइकल स्पाइन के साथ अटैच होते हैं और फ्रंट अपर की जो टू रिब्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं, यानी कि ये रिब्स की मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं और आपकी वर्टिब्राज की भी जो मूवमेंट है उसको परफॉर्म करते हैं. अब अगर ये बाइलैटरली जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो ये आपकी नेक को यानी सर्वाइकल के जो वर्टिब्राज हैं उनको फ्लेक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये उनका फंक्शन है. और साथ में ये आपके रिब्स को भी क्या करते हैं, बाइलैटरली एलिवेट करते हैं, जो कि आपकी रेस्पिरेशन के अंदर आपको फैसिलिटेट करता है. अगर हम सिर्फ यूनिलैटरल एक साइड की बात करें तो एक साइड का जो स्कैलेनी मसल्स हैं वो आपकी सर्वाइकल स्पाइन को बेंड करते हैं, साइड बेंड करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ अटैच है. सेम साइड पे ये आपको साइड बेंड करते हैं और ऑपोजिट साइड पे ये आपकी रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. दोबारा सुन लो, बाइलैटरली आपके स्कैलेनी मसल्स आपकी सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर फ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं और आपकी रिब्स को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, फर्स्ट टू रिब्स को. यूनिलैटरली अगर हम बात करें एक साइड का जो आपका स्कैलेनी मसल है वो आपके सर्वाइकल स्पाइन को सेम साइड पे साइड बेंड करता है, लाइक अगर राइट साइड की हम बात करें तो राइट साइड पे वो आपको साइड फ्लेक्शन प्रोड्यूस कराता है और लेफ्ट साइड की वो आपको रोटेशन प्रोड्यूस करता है. सेम साइड साइड फ्लेक्शन, ऑपोजिट साइड रोटेशन, ये चीजें आपने याद रखनी कि कौन से मसल का क्या बेसिकली वर्क है.
अब ये जो आपका स्केलनी का स्ट्रेच है ना, क्योंकि अब स्केलनी आपके दो जगह पे दो तरफ से आपकी मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर भी और रिब्स के ऊपर भी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पोजीशन इस तरह की जो है ना वो पेशेंट के साथ आप अडॉप्ट करते हैं कि अगर आपने लेट से ये हम पोजीशन देख लेते हैं कि ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है और ये पेशेंट की राइट साइड है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं ऑपोजिट खड़े हैं, तो ये आपकी लेफ्ट साइड, ये सॉरी राइट साइड हो गई और ये आपकी लेफ्ट साइड। अब पेशेंट का ये जो इस साइड का है ना, हम लेफ्ट साइड का स्केलनी उसको हम स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। अब स्केलनी अगर सेम साइड पे साइड बेंड करता है तो उसको स्ट्रेच करने के लिए हमें ऑपोजिट साइड पे साइड बेंड करना पड़ेगा। अब हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे साइड बेंड करा रहे हैं और सेम साइड पे उसको रोटेट करा लिया, ठीक है। अब थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो फोरहेड पे है और एक हाथ जो है वो कहाँ पे है, शोल्डर के ऊपर। पेशेंट जो है वो इंस्पायर करेगा और आपकी ये जो ये इस हाथ से ना आपका जो थेरेपिस्ट है वो थोड़ी सी आपको क्या है, पेशेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जब पेशेंट ने एक्सपायर करना है, जब सांस बाहर निकालना है, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड जाएंगी। जब वो डाउनवर्ड जाएंगी तो वो जो रिब्स के साथ अटैच होने वाली जो आपकी अटैचमेंट है उसके ऊपर एक लेंथनिंग का इफेक्ट आ रहा है। एट दैट टाइम पे थेरेपिस्ट का काम क्या आ जाता है कि इस हाथ से आपके शोल्डर को वो डिप्रेस करेगा, पेशेंट को डिप्रेस करेगा शोल्डर को। वो आपको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट देगा किस चीज का, स्ट्रेच का। तो वो जो दोनों साइड है ना, ये ऑपोजिट साइड पे साइड बेंड की वजह से आपको स्ट्रेच आ रहा है और ये आपका ये जो शोल्डर जो उसकी रिब्स की एलिवेशन करनी थी, अब उसको जो है वो आप जब डिप्रेस करोगे एज ए थेरेपिस्ट तो पेशेंट को दोनों अटैचमेंट्स के ऊपर क्या है, स्ट्रेच आएगा और वो जो मसल अगर आपकी शॉर्टनिंग पोजीशन के अंदर है तो वो आपके प्रॉपर क्या है, लेंथनिंग में और उसमें स्ट्रेचिंग का एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आप फ्लेक्शन को बेहतर करना चाह रहे हैं, सर्वाइकल कि जो अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन है उसको अगर आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपके जो एक्सटेंसर मसल ग्रुप है, सब ऑक्सीपिटल मसल ग्रुप है, आपको उसकी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो क्या है, पेशेंट की सिटिंग पोजीशन होगी, आप पेशेंट के पीछे खड़े होंगे, आप यहाँ से एक हाथ से अपने थंब से जो है वो उन मसल्स को पैल्पेट कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा हाथ जो है वो आपका फोरहेड के ऊपर प्लेस होगा। अब फोरहेड, अब क्या है कि आप एक्सटेंसिस की स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड फ्लेक्स करना पड़ेगा। फॉरवर्ड फ्लेक्स किस तरह से कि आप पेशेंट को जो कमांड दोगे या जो एडवाइस करोगे या जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो क्या है कि आपने पेशेंट ने जो टक इन करनी है चिन को एंड देन मूव फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड बेंडिंग पोजिशन के अंदर नेक को, तो वो कम्प्लीट आपके जो मसल्स हैं सब ऑक्सीपिटल मसल्स वो स्ट्रेच पोजिशन के अंदर आएंगे और साथ में आप उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकोगे कि आइदर वाकई वो स्ट्रेच पोजीशन में आ भी रहे हैं या नहीं, वो आपका ये जो थंब है ये आपको वो इंफॉर्मेशन देगा कि आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलरली यही मसल्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर। मिड थोरेसिक, लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन को अगर हम इकट्ठे बात करें और उसकी अगर हम फ्लेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे एक्सटेंसर मसल्स की स्ट्रेचिंग हमें अच्छे से प्रोड्यूस करनी होगी। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, हम एक असिस्टेड स्ट्रेच यूज करते हैं, एक हम पेशेंट को सेल्फ स्ट्रेच भी बताते हैं। असिस्टेड स्ट्रेच डिपेंड करता है कि आप पेशेंट के आपके पास जो है ना वो किस पोजीशन के अंदर आया है, उसकी स्टेज क्या है रिकवरी। अब असिस्टेड जो स्ट्रेच है ना, जो असिस्टेड स्ट्रेच है उसमें हम क्या करते हैं कि आप पेशेंट को जैसे ये क्रॉस लेग पोजिशन है, चौकड़ी मार के जिसको बैठना कहते हैं, पेशेंट उस पोजीशन के अंदर जो है वो आ जाए, ठीक है। एज अ थेरेपिस्ट आप पेशेंट के पीछे बैठ जाए और आपने पेशेंट का जो पेल्विस है उसको अच्छे से क्या करना है, ग्रैब करना है, ताकि आपकी जो पेल्विस है उसके ऊपर किसी किस्म की ना टिल्टिंग हो ना कोई मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट आएगी वो स्पाइन के ऊपर हो और उसको जो एक्सटेंसर मसल्स हैं खासतौर पर इरेक्टर स्पाइनी मसल, हम उसका स्ट्रेच जो है वो प्रॉपर प्लेस। एक तो असिस्टेंस आ रही है यहाँ से जो कि आप पेल्विस को स्टेबलाइज करें, सेकंड असिस्टेंस इस पोजीशन में आएगी जब आप पेशेंट जो है वो खुद से अपने हाथ यहाँ पे सर के पीछे रखेगा। जब आप सर के पीछे हाथ रखते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थोरेसिक है ना स्पाइन उसके ऊपर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। जब वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी ना
तो आपका वो एक तरह से सेगमेंट क्या है, स्टेबलाइज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अब आप जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो मूवमेंट है क्या, पेशेंट ने क्या करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है। अब नीचे से स्टेबलाइज है पेशेंट, ऊपर से उसने खुद अपने आप को स्टेबलाइज किया हुआ है, जो एरिया रह गया है वो आपका लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन रह गया है, कि यहाँ के जो एक्सटेंसर मसल्स हैं, अब ये क्या होंगे ड्यूरिंग फ्लेक्शन, जब आप फॉरवर्ड बेंड करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको क्या महसूस होगा, स्ट्रेच फील होगा। अगर बैठे हुए हो सीटिंग पोजीशन में, जमीन के ऊपर बैठे हुए हो या किसी हार्ड सरफेस पे बैठे हुए हो, मैट्रेस वगैरह की मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उसका इफेक्ट जरा और चेंज हो जाता है, तो इसको करके देख लो बेशक। इस तरह से क्रॉस लेग्स में जाओ, अपने आप को जो है वो ऊपर से स्टेबलाइज करो एंड देन फॉरवर्ड बेंड करो अपने आप को, आगे की तरफ जो है वो अपने आप को झुकाओ, तो आपको आपके जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है खास तौर पे, उस पे आपको अच्छा खासा स्ट्रेच जो है वो फील हो। पेशेंट को हम सेल्फ स्ट्रेच बता सकते हैं वो किस तरह से, कि पेशेंट जो है वो आप स्पाइन लाइन पोजिशन में पहले तो पेशेंट आएगा और उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन ये देंगे कि आपने अपने जो नीज हैं वो अपनी चेस्ट को टच करना है। सिंपल कमांड कि नीज को आपने चेस्ट के साथ जो है वो टच करना है। जब ये काम होगा तो ये आप गौर करेंगे, ये जो आपके पीछे के जितने मसल्स हैं इरेक्टर स्पाइनी, समटाइम्स इवन आपके ग्लूट्स भी इसके अंदर जो है ना वो उनके ऊपर स्ट्रेच का एलिमेंट आता है इसमें। यहाँ पे सिर्फ ख्याल करने वाली ये बात है कि पेशेंट को जो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि जो आप पेशेंट अपना हाथ यूज करेगा वो कहाँ पे, कि वो आपकी ये जो थाई का रीजन है उसको यूज करे एज कम्पेयर टू कि आपके वो नी को ग्रैब करें। नी को ग्रैब करेंगे तो कंप्रेशन की वजह से अगर नी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो वो माइट बी पॉसिबल के पेन कॉज कर सके, लेकिन अगर उसकी सेफ साइड जो रखने के लिए आप पेशेंट को क्या कहेंगे कि ये अपनी जो इनर थाई है बिल्कुल आपकी जो नी से नीचे एरिया है थाई का उसको ग्रैब करें, ताकि आप नी की कंप्रेशन को क्या कर सको, अवॉइड कर सको। तो ये आपका इरेक्टर स्पाइनी मसल और जो पोस्टीरियर है मसल्स आपके स्पाइन के, इवन समटाइम्स आपके जो है वो ग्लूट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के अंदर। तो ये जो आपकी एक्सटेंसर्स हैं उनका स्ट्रेच है और ये आपको फ्लेक्शन में क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। ये सेल्फ स्ट्रेचिंग की एक फिर फर्दर जो है वो आगे एक प्रोग्रेशन आ जाती है कि जिसमें आप मजीद उसको जो है वो प्रोग्रेस कर सकें और आप स्ट्रेचिंग को जो है वो इंड्यूस कर सकें। उसमें क्या है कि पहले आप स्टार्ट करते हैं क्वाड्रप पोजीशन पे। क्वाड्रप पोजीशन कहते हैं फोर पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि आपके चारों लिम्ब्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के साथ। अब इस टाइम पे आप पेशेंट को जो है वो पहले सिंपली जो है वो क्या कहेंगे कि आपने पोस्टीरियर जो टिल्टिंग है वो खुद से परफॉर्म करनी है, ठीक है। एक दफा जब पोस्टीरियर टिल्ट पेशेंट परफॉर्म कर लेगा देन आप उसको कहेंगे कि अब आप सिटिंग पोजीशन के अंदर आएंगे। हाथों का जो कॉन्टैक्ट है वो आपने नहीं छोड़ना और हाथों को ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट पे रखते हुए आप क्या करें कि सिटिंग पोजिशन पे आए और आप अपने पाँव के ऊपर जो है ना वो बैठ जाए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वो जो हमारी सजदे की पोजीशन बनती है ये वो पोजीशन है। सिर्फ इसमें हैंड्स की पोजीशन जो है वो फर्क है कि हमारे सजदे में जो हमारे हाथ हैं वो हमारे सर के लेवल के करीब होते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको अपने ओवर हेड जो है वो हाथों को रख रहे हैं। अब इससे होगा क्या, आपके एक तो पोस्टीरियर टिल्टिंग आ रही है इसके अंदर, ठीक है, उससे भी एक्सटेंशन का एलिमेंट आएगा, उसके स्ट्रेच आएगी सॉरी उसके ऊपर। आपका इरेक्टर स्पाइनी मसल, आपके पोस्टीरियर जो स्पाइन के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेच आएगा। ये कंप्लीट देखो स्पाइन जो है वो अच्छी खासी आपकी फ्लेक्शन में जा रही है, तो आपके एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है। इसमें जो एक और फर्दर एलिमेंट जो कि पिछली स्ट्रेचिंग में नहीं था वो ये है कि आपके ये जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब के ऊपर भी आपका जो है वो फुल स्ट्रेच पोजिशन आ गई। तो ये स्ट्रेच जो है ना वो आपके ज्यादा स्ट्रेचिंग का एलिमेंट प्रोड्यूस करता है और इसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना उसको इन्वॉल्व करता है। तो ये बड़ा मजे का स्ट्रेच है कि अक्सर होगा जब आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें आपका खड़े रहने वाला ज्यादा काम है, तो आपके एक्सटेंशन की वजह से वो जो आपके मसल्स एक्सटेंसर्स जो है वो थक जाते हैं। तो आप जब इस तरह का स्ट्रेच प्रोड्यूस करते हो, खासतौर पर नमाज पढ़ते हुए जब आप सजदे में जाते हो, तो बड़ा मजा आता है। आप सच में अपने आप को रिलैक्स उस टाइम पे फील कर रहे होते हो
वो बेसिकली क्या है कि असल में आपके एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब लंबर की अगर आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके फ्रंट के मसल्स यानी कि जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि जो आपके एब्डोमिनल्स हैं या आपके जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं खासतौर पर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब वो ये दो एक्सरसाइजेस हैं जो दो आप पोजिशंस के अंदर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ए पोजिशन जो है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, इसको हम कोबरा पोजिशन भी कहते हैं या इसको हम प्रोन प्रेसअप्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोन पोजिशन से आप क्या करते हैं कि आप अपनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं और अपने फोर आर्म्स के ऊपर पहले वेट पुट ऑन करते हो और देन आप उसको एल्बोज को एक्सटेंड करते हुए एल्बोज को एक्सटेंड करते हैं और फिर आप रिस्ट के ऊपर अपना वेट पुट ऑन कर रहे हो। तो ये पोजिशन जो है ये आपके बेसिकली किस स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच कर रही है, ये आपके एब्डोमिनस, ठीक है, फ्रंट के जो मसल्स हैं एब्डोमिनस को स्ट्रेच करेगी और साथ में आपके ये जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं इनको स्ट्रेच करेगी बैकवर्ड बेंडिंग की वजह से। अब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, आप पहले पेशेंट को प्रोन लाइन के अंदर आप इसको स्ट्रेच दे सकते हैं, देन उसकी पोजिशन जब उसकी कंडीशन बेहतर हो रही है तो आप उसको सिंपल स्टैंडिंग के अंदर पोजिशन के अंदर लाके जब आप उसको बैकवर्ड बेंडिंग कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप गौर कीजिए कि ये फ्रंट के जो मसल्स हैं ये आपको कर्व्ड नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रेच प्रोड्यूस असल में हो रहा है बेसिकली एब्डोमिनल्स के ऊपर और फ्रंट के आपके थाई के मसल्स और आपके हिप के मसल्स, ठीक है। तो ये आपकी ये दो पोजिशन आपके लंबर को एक्सटेंशन उसकी इंक्रीज करने में हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से आपकी स्पाइन की जो लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि खास तौर पे कहाँ पे आ जाती है, जब आपकी स्कोलियोसिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपकी स्पाइन में चल रहा है। अब स्कोलियोसिस में अगर हम याद करें तो क्या होता है कि एक तरफ आपकी कन्वेक्सिटी बनती है और दूसरी तरफ आपकी क्या है, कनकेविटी बनती है। अब जो कन्वेक्सिटी है वो बेसिक क्या है, वहां पे आपके स्ट्रक्चर जो है वो ओवर लेंथनिंग हो रही होती है उनकी, उनके ऊपर प्रोलॉन्ग बेसिस के ऊपर क्या है स्ट्रेच प्रोड्यूस हुआ है। और जो आपकी कनकेविटी साइड है, कनकेव साइड है, वहां पे मसल्स जो है वो इकट्ठे हुए हुए होते हैं और उसकी वजह से उनमें शॉर्टनिंग प्रोड्यूस हुई। अब आपका काम क्या है कि आपने जो कनकेविटी साइड है उसको आपको स्ट्रेच करने की जरूरत है और जो कन्वेक्सिटी है उसके मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट कराने की जरूरत है ताकि वो अपनी जो ओवर लेंथनिंग पोजिशन है उसको छोड़ के अपनी न्यूट्रल पोजिशन के ऊपर है। तो ऐसे टाइम पे फिर हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है वो ये कुछ पोजिशंस हैं कि कुछ हम सेल्फ स्ट्रेच बताते हैं, कुछ आपका थेरेपिस्ट का जो है वो वर्क आ जाता है। थेरेपिस्ट का वर्क इसमें बेसिकली ये आ जाता है कि आप पेशेंट को जो है वो स्टेबलाइज रखो, उसके लोअर पार्ट्स को, लोअर लिम्ब्स को, पेल्विस को स्टेबलाइज रखें ताकि जो मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइन के ऊपर आए। अच्छा, अब ये हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट की ये राइट साइड कंसिडर कर लें और ये आपकी क्या है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पेशेंट की कनकेविटी प्रेजेंट थी और राइट साइड पे कन्वेक्सिटी प्रेजेंट थी। जब भी आप एक आपको पुरानी पोजीशन आपको याद कराऊं, जो आप हाफ स्ट्रेच पोजीशन होती है, हाफ स्ट्रेच स्टैंडिंग पोजीशन है, जिसके अंदर आप एक हाथ जो है वो अपना एक आर्म ओवरहेड एलिवेट करते हो, फ्लेक्शन करते हो, ओवरहेड लेके जाते हो, तो उस वक्त आपकी जिस सेम साइड का जो हाथ आप यूज कर रहे हो वहां पे आपके साइड के जितने मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है। तो ये पोजीशन जो है वो हम स्कोलियोसिस के पेशेंट में बेसिकली यूज करते हैं। जिस साइड पे आपकी कनकेविटी है, जो मसल्स आपके शॉर्टेंड हैं, उस साइड के हाथ को, अपर लिम्ब को अगर आप एलिवेट करें ओवरहेड तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो स्ट्रेच प्रोड्यूस कर सकते हैं उस साइड। अब यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, इस हाथ को पेशेंट ने क्या किया है, एलिवेट कराया है ओवरहेड, और दूसरे हाथ को पेशेंट को क्या गाइड किया गया है कि इस हाथ से अपने नी को टच करने की कोशिश करें, ऑल्दो कि वो नी तक नहीं जाएगा बट वो जब आप कोशिश करेंगे तो यहाँ के मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये साइड आपकी क्या होगी स्ट्रेच पोजिशन के अंदर जाएंगे। थेरेपिस्ट का काम क्या है कि उसने आपके पेल्विस को क्या किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है, तो
इस तरह से हम ये जो स्कोलियोसिस के अंदर मसल इम्बैलेंस आया होता है उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। अब पेशेंट को अगर आपने सेल्फ स्ट्रेचिंग बतानी है तो उसमें क्या है, अगेन आप वो पोजिशन अडॉप्ट कर लें जो हम सजदे की पोजिशन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सजदे के अलावा जो पोजिशन में आप अपने जो आर्म्स हैं उनको अगर कम्प्लीटली एलिवेट कर लें दोनों अपर लिम्स को, तो वो आपकी एक ये पोजिशन स्टार्टिंग पोजिशन बन गई। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ आपका कनकेविटी होगी, एक तरफ आपकी क्या होगी, कन्वेक्सिटी होगी। कनकेविटी को आपने स्ट्रेच करना है, दैट मींस कि उससे अवे साइड पे जब हम मूव करेंगे उसके ऊपर स्ट्रेच आएगा। अब ये आपकी क्या है, राइट साइड है पेशेंट की, और ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका क्या है, उसकी शिफ्ट है किस तरह से कि कनकेविटी प्रोड्यूस हुई भी है। थोरेसिक की बात कर रहे हैं या लंबर की बात कर रहे हैं, वो जैसे भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है वो अकॉर्डिंग टू दैट आपने उसको खुद से जज करना होगा। अब अगर राइट ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी कनकेविटी प्रेजेंट है तो आप पेशेंट को क्या कहेंगे कि अब उसने अपने आप को राइट साइड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है, बिल्कुल राइट साइड पे क्या करना है, बेंड करना है, लैटरली बेंड करना है। अब क्या है कि ये साइड आप खुद गौर करो कि ये कंप्लीट स्ट्रेच के अंदर जा रही है और ये साइड आपकी जो राइट साइड है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन के अंदर आ रहा है। करना भी हमने यही था, कन्वेक्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कनकेविटी को स्ट्रेच कराना है। तो ये आपका सेल्फ स्ट्रेच हो जाएगा इन केस ऑफ स्कोलियोसिस। और ये अगर आप थेरेपिस्ट अवेलेबल है, जब आप खुद पेशेंट को जो है वो सेशन दे रहे हैं तो उस टाइम पे आप पेशेंट को स्टेबलाइज कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी लैटरल फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करेगा। ये आपकी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स थी, सिंपल कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आपको यहाँ पे जो है वो बताई है। कुछ और एक्स्ट्रा आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है, उसको भी एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, चीजें सारी सारी हुई। अब आ जाते हैं जो काफी अरसे से हम स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स की बात कर रहे थे कि आपको जो स्टेबलाइजेशन किस तरह से प्रोवाइड होती है वो है आपका ड्रॉइंग इन मैन्यूवर। ड्रॉइंग इन मैन्यूवर जो है वो उसको आप थ्योरेटिकली जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो हम करते हैं, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये जो पेशेंट की पोजीशन है ना वो हुक लाइन पोजीशन या क्रुक लाइन पोजीशन जो है वो बनती है, जिसमें 70 to 90 degrees आप नी की फ्लेक्शन करते हो और फीट को जो है वो मैट के साथ कॉन्टेक्ट में रखते हो, ठीक है, क्रुक लाइन पोजिशन बन गई। अब पेशेंट को आपने गाइड किया करना, इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपने पेशेंट को ये कहना है कि आप अपनी जो वेस्ट लाइन है ना, या जो आप लेमेन टर्म्स में पहले मैं बताती हूँ, ठीक है, बाद में आपको दूसरा समझाऊंगी। आपने पेशेंट को क्या गाइड करना है कि आपने अपने पेट को जो है ना वो अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। पेशेंट को क्या आप गाइड करेंगे कि पेट को अंदर की तरफ खींचे, इतना खींचें कि आपको ये महसूस हो कि आपका जो बैली बटन है वो आपकी स्पाइन के साथ जो है वो उसके करीब करीब जा रहा है, मतलब कंप्लीट आप अपने जो पेट है उसको अंदर खींच लें और आपकी वो जो हॉलोनेस है अंदर पेट के एब्डोमेन के वो रिड्यूस हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। ड्रॉ करा लिया आपने जो मसल्स हैं उनको इनवर्ड आपने क्या किया, ड्रॉ करा लिया। अब ये होल्डिंग की पोजीशन आ जाती है। अब पेशेंट को कहेंगे यहाँ पे इस मूवमेंट को होल्ड करके रखें। एट द सेम टाइम आप पेशेंट को ये गाइड करेंगे कि उसने सांस लेना नहीं छोड़ना, ठीक है, करके देख लो। अभी अभी आप करके देखो, सुपाइन लाइन पोजीशन में हुक लाइन पोजीशन के अंदर अगर आ सकते हो तो उसको प्रोड्यूस करके देखो, परफॉर्म करके देखो कि आपने ड्रॉ कर लिया अपने एब्डोमेन को अंदर, ठीक है। अब आप क्या करें, हाथ रख लें अपने पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर हाथ रख लें और आप सांस लेते रहें। अब कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि सांस लेने के साथ वो जो आपका डायफ्राम मूव करता है और आपके जो एब्डोमेन बल्ज आउट होता है विद एवरी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के साथ वो वापस जो है वो अपनी पोजिशन पे चला जाता है, ये काम ना हो। सांस आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ अपने लंग्स से सांस लेना है, आपने अपने एब्डोमेन को यूज नहीं करना। बेसिक जो टेक्निक है ना वो यही है, ड्रॉ कर लें अंदर एब्डोमेन को और यहां पे होल्ड रखें, सांस साथ में लेते रहें। आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि आपके
सांस लेने के साथ आपका ये जो ड्रॉ इन किया हुआ है ना आपने मसल्स को, ये वापस बल्ज आउट ना हो सांस लेने के साथ। सिर्फ और सिर्फ अपने लंग्स को यूज करें, अपने एब्डोमिन को यूज आपने नहीं करना। और इसको आप अप्रिशिएट कैसे करेंगे, जब आप अपने अपने अपना हाथ जो है वो एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर रखा होगा, क्योंकि अगर एब्डोमिनल मसल्स मूव करेंगे विद एवरी ब्रेथ तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मसल मूव कर रहे हैं। अगर मसल मूव नहीं कर रहे आपके हाथ के नीचे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आप ठीक जा रहे हो। ये जो बेसिक काम है ना, ये असल में आपका ड्रॉइंग इन मैन्यूवर है, जिसमें आपका ड्यूरिंग ब्रीदिंग आपके मसल्स यूज नहीं हो रहे, आपके एब्डोमिनल मसल्स यूज नहीं हो रहे, आपके सिर्फ और सिर्फ लंग्स यूज हो रहे। ये बेसिकली आपके जो कोर मसल्स हैं, खास तौर पे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, क्योंकि ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है। जब आप ड्रॉ इन कर रहे हो, ये आपने ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की कॉन्ट्रैक्शन की है। अब बाकी के जो काम है, सांस लेना, या इसको फिर हम बाद में मूवमेंट के अंदर भी लेके आते हैं कि कोई भी आपने जो मूवमेंट करनी है उस वक्त भी आपके एब्डोमिनल्स जो है ना उनके ऊपर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। ये बेसिक आपकी एक्टिवेशन हो रही है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जब मूव नहीं करेगा तो ये बेसिकली उसने आपकी जो स्पाइन है ना उसको अच्छे से ग्रैब करके रखा हुआ है, अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है कि अब आप जो भी मूवमेंट प्रोड्यूस कर लें उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो लोडिंग का इफेक्ट है, वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आपकी स्पाइन के ऊपर नहीं पड़ने देता। दिस इज द बेसिक टेक्निक। आपको कब पता चलेगा कि आपने टेक्निक प्रॉपरली डन की है कि नहीं, वो तब आपको पता चलेगा जब देर इज मिनिमल टू नो मूवमेंट ऑफ पेल्विस। जब आपने ड्रॉ इन किया और उसके बाद जो आप सांस ले रहे हो या कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें, ये सिंपल चलो सांस लेने की हद तक अभी हम बात करते हैं, आपकी पोस्टीरियर टिल्टिंग नहीं आई। लाइक अगर आपने पोस्टीरियर टिल्ट किया, दैट मीन्स आपने स्पाइन के ऊपर मूवमेंट की है, दैट इज नॉट द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। स्पाइन आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, पेल्विस के ऊपर टिल्टिंग नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस अंदर जाना चाहिए। नो फ्लेयरिंग और डिप्रेशन ऑफ लोअर रिब्स, रिब्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे हो। ये ना हो कि रिब्स से आप जो है उसको अंदर कर रहे हो, सांस बहुत ज्यादा जो है वो आपने खींचा हुआ है और रिब्स आपकी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो जा रही है या बाहर जा रही है। फ्लेयरिंग भी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। No inspiration or lifting of the rib cage, मतलब on inspiration, sorry, no लिखा गया, on inspiration, lifting जो है वो rib cage की ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपके lungs जो है वो move कर रहे हो, rib cage जो है वो move ना करे। Abdominal walls, यानी जो आपके abdominal muscles हैं, उनकी bulging out ना हो सांस लेने के ऊपर। सांस लेने पे आपके abdominals जो है वो बाहर नहीं आने चाहिए, वो जो आपने उसको contract करके रखा है, इनवर्ड ड्रॉ करके रखा है, वो एज इट इज ऐसे ही रहना चाहिए। नो इंक्रीज प्रेशर थ्रू द फीट। अब क्या है, पेशेंट ये भी कर सकता है कि जो वो फोर्स है उसको टैकल करने के लिए ज्यादा जो है वो अपने फीट के ऊपर जोर लगा रहा हो। फीट के ऊपर भी आपका जोर नहीं लगना चाहिए। मतलब क्या है कि सारी की सारी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, जो सारी की सारी फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आनी चाहिए, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल से आनी चाहिए। जब आप पेशेंट को इस टेक्निक के अंदर आप स्किलफुल करते हैं, पहले आपको सिर्फ इस टेक्निक के ऊपर जो है वो फोकस करना पड़ता है, बार बार रिपीट कराना पड़ता है, बार बार रेपिटेशन करानी पड़ती है, सेट्स के अंदर रेपिटेशन करानी पड़ती है। जब आप इसमें पेशेंट को स्किलफुल कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट जो भी मूवमेंट परफॉर्म करे, लेग्स की, स्पाइन की, पेल्विस की, इवन अपर लिम्ब की, जो भी मूवमेंट परफॉर्म करे वो पहले ड्रॉ इन टेक्निक यूज करे, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को एक्टिवेट करे। सांस रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, ये तभी प्रॉपर होगा कि सांस लेने के साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स यूज नहीं हो रहे। अब जो भी आप टेक्निक यूज करेंगे, जो भी एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे, आपका स्पाइन जो है वो स्टेबलाइज रहेगी। क्यों?
ड्रॉइंग इन मैन्यूवर की वजह से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ने आपको कम्प्लीटली क्या किया हुआ है, स्पाइन को होल्ड करके रखा हुआ है अपनी अटैचमेंट्स के साथ। अब जब एक चीज इतनी अच्छी तरह से ग्रैब हुई हुई है तो उसके ऊपर वो जो इंजरी है, जो लोड्स हैं, वो कम से कम प्लेस होंगे, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम रेट। समझ में आया बेटा? काफी अरसा से हम ड्रॉइंग इन मैन्यूवर की बात कर रहे थे, आज आपको yes, मैंने टेक्निक बताई है। ये जो टेक्निक है ना, ये खास तौर पे जिम जो ट्रेनर्स हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिनका काम ही हैवी लिफ्टिंग का है उनको तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एक्टिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये टेक्निक अगर आप अब कभी गौर करना, जो आपको एक्सरसाइजेस के बहुत सारे डिफरेंट आपको पेजेस मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक के ऊपर भी, और बहुत सारे इस तरह की जो है वो पेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वो एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स बताते हैं कि जिम ट्रेनिंग घर में भी कैसे कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप गौर करो तो वो जो कोर की बात करते हैं ना कि कोर स्टेबिलिटी, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आसानी से जो है वो रीच अप्स कर लेते हैं, उल्टा लटके होते हैं रॉड के ऊपर और वो अपने आप को जो है वो आसानी से बेंड कर लेते हैं, अपने नीज के साथ जो है वो चेस्ट को लगा लेते हैं। वो इतनी हैवी एक्सरसाइज आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो जब तक आपकी कोर की स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोर आपको, आप अपने कोर को यूज नहीं करेंगे, आप ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को यूज नहीं करेंगे, तब तक आप ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आगे जो हम टेक्निक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, उन सब में आपका जो काम है वो इन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और ड्रॉइंग इन मैन्यूवर का है। हाँ जी मैम, आपने जो पीछे बोला था जहाँ पे आपने कहा था कि नो नहीं आना, कौन सी पॉइंट पे बोला था? वो बेसिकली मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे गलती से लिखा गया है नो इंस्पिरेशन और लिफ्टिंग ऑफ रिब केज, कि मतलब इंस्पिरेशन पे रिब केज जो है वो आपका फ्लेयर आउट नहीं होना चाहिए, वो आपका बाहर जो है वो एलिवेट नहीं होना चाहिए, लिफ्ट नहीं होना चाहिए इंस्पिरेशन। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, ये असिस्टिव डिवाइस है जो आपकी ड्रॉइंग इन मैन्यूवर को या आपके ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एक्टिवेशन को जज करती है या उसको आपको असिस्ट करती है। ये बेसिक जो आपके पास इक्विपमेंट नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्रेशर बायोफीडबैक स्टेबलाइजर। ठीक है, प्रेशर बायोफीडबैक स्टेबलाइजर, ये एक तरह का ना ये इन्फ्लेटेबल कफ होता है, इसके अंदर आप हवा जो है वो भर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास ये पंप आपको नजर आ रहा है, साथ में ये डायल है जो कि इसके अंदर प्रेशर को आपको बताता है। इसकी जो है ना वो कुछ टेक्निक्स है इसको यूज करने की। हम क्या करते हैं कि प्रेशर बायोफीडबैक, इसको हम एक, इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है, मैं उनकी तरफ नहीं जा रही, वो जरा थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कि किस रीजन को अगर आपने चेक करना है, किस रीजन को आप असिस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उस प्रेशर पे आप इस बायोफीडबैक को इन्फ्लेट कर लेते हो और वो आप अपनी स्पाइन के नीचे प्लेस कर लेते हो, मतलब स्पाइन के ऊपर नीचे रखा और इसके ऊपर आप खुद लेट गए। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, ड्रॉइंग इन मैन्यूवर टेक्निक अप्लाई करनी होती है और उससे आप प्रेशर जो चेंजेस है ना उसको चेक करते हो, क्योंकि अगर आपकी ड्रॉइंग इन मैन्यूवर के साथ आपकी स्पाइन के ऊपर मूवमेंट आई है, आपकी पेल्विस के ऊपर मूवमेंट आई है, तो वो जो प्रेशर है ना वो नीडल आपको प्रेशर चेंज बता देगी कि ये जो इसके अंदर प्रेशर है ना ये चेंज हो रहा है। तो आपको असिस्टेंस कहाँ से मिलती है, आपको पता चलेगा कि इवन आपने जब ड्रॉइंग इन मैन्यूवर टेक्निक अप्लाई की है और डायल के ऊपर प्रेशर चेंजेस नहीं आई हैं, वो माइनर चेंजेस होते हैं जो एक गाइडलाइंस है कि इतना चेंज आ रहा है तो वो नॉर्मल है, आपको वो आइडिया दे देता है कि इतना चेंज आपके आया है, इट मींस कि आपने प्रॉपर टेक्निक अप्लाई की है, स्पाइन के ऊपर मूवमेंट नहीं हुई, पेल्विस के ऊपर मूवमेंट नहीं हुई, रिब्स के ऊपर मूवमेंट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आपका मसल एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको ये जो इक्विपमेंट है वो आपको फीडबैक दे देता है फौरन के फौरन। तो इसके थ्रू भी आप पेशेंट को जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग करा सकते हैं। ठीक है, कि साथ के साथ पेशेंट को फीडबैक भी मिलता रहे। इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स भी आते हैं, ये तो एक छोटा सा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोड्स का थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट है, वो आप सरफेस पे प्लेस कर देते हो मसल के और वो आपको प्रेशर चेंजेस जो है वो फीडबैक देता रहता है। तो ये दो असिस्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें आप पेशेंट को ट्रेनिंग उसके साथ करा सकते हो। ये वैसे तो ये जो इक्विपमेंट है थोड़ा सा महंगा है,
लाइक आई थिंक जब मैंने अपनी रिसर्च के लिए इसको बाहर से मंगवाया था तब आई थिंक ये 15,000 तक का जो है वो आया था. अब उसको भी 4-5 साल तो गुजर गए हैं बाद को, तो थोड़ा सा शायद ये मजीद जो है ना वो एक्सपेंसिव हो गया हो. मेरी जो रिसर्च थी ना, जो मैं इतना ज्यादा फोकस भी करती हूँ इसके ऊपर, स्टेबलाइजेशन और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, मेरी बेसिक जो मास्टर्स की एमएस की रिसर्च थी वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस की एक्टिवेशन के ऊपर थी कि उसको हम एक्टिवेशन उसकी कैसे करा सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स में उसका क्या रोल है. अगर विदाउट एक्टिवेशन आप मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने लोअर लिम्स की, तो उससे आपकी स्पाइन के ऊपर कितना प्रेशर पुट ऑन होता है, और अगर आप ड्यूरिंग ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस की एक्टिवेशन के साथ आप मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है. और मैंने यही वाला जो इक्विपमेंट है इसको यूज किया था और उससे जो है वो अपनी रिसर्च मैंने कंप्लीट की थी. और उसके जो रिजल्ट्स निकले थे वो यही थे कि इन एवरी पोजिशन, सुपाइन लाइंग, प्रोन लाइंग, व्हाटसोएवर, अगर आप ड्रॉइंग इन मैन्यूवर टेक्निक को यूज नहीं करते, आपकी स्पाइन के ऊपर मूवमेंट आती है, आपकी पेल्विस के ऊपर मूवमेंट आती है, आपकी रिब्स के ऊपर मूवमेंट आती है, और आपके वो सारे के सारे लोड्स अल्टीमेटली आपकी स्पाइन पे प्रोड्यूस होते हैं और वो आपको अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं, टुवर्ड्स इंजरी, एज कम्पेयर टू अगर आपकी मसल्स जो है वो आपको प्रॉपर स्टेबलाइज कर रहे हैं. ठीक है बेटा. अच्छा अब आगे जो हमने स्टेबलाइजर, मैम ये जो स्टेबलाइजर मशीन है एक्चुअली मुझे इसकी समझ नहीं आई है कि ये मतलब हम उसको इस्तेमाल करेंगे. सॉरी मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो. स्टेबलाइजर को आप कब इस्तेमाल करोगे? यस मैम, मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब टेस्ट कैसे हो, किस वक्त करेंगे? ये या तो आप पेशेंट के ड्यूरिंग जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, अगर आपको जरूरत है, लाइक लेट से पेशेंट को समझ नहीं आया, पेशेंट उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा कि मैंने करना क्या है, ये उसको ना फीडबैक देता है. आपकी बात शायद उसको समझ ना आए, जब आप पेशेंट के सामने वो डायल होगा और उसको प्रेशर चेंजेस महसूस होंगी ना, उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये गलती यहाँ पे हो रही है मेरे से. तो ये असिस्टिव टेक्निक है. असल में रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च में यूज किया कि इसके थ्रू जो है वो हम डेटा इकट्ठा कर रहे थे. और अगर पेशेंट के ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो तब आप उसको असिस्टेंस के तौर पे बता सकते हैं कि एक दफा जब वो स्किलफुल हो जाएगा फिर बेशक आप उसको यूज ना करो, पेशेंट की असिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं. अच्छा जी आगे चलते हैं, लेक्चर कंप्लीट करना है. अब ये जो आगे का लेक्चर है ना, इसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन की जो एक्सरसाइजेस है ना वो बतानी है. ये टेबल्स जरा थोड़े से समझ लेना, आसान है, बहुत आसान टेबल्स हैं, ये सिर्फ देखने में लगता है कि पता नहीं क्या. पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, फिर मैं पिक्चर्स के साथ आपको बताती हूँ. ये आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने पेशेंट को कराना क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम सर्वाइकल की स्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एम्फेसिस किस चीज के ऊपर है, सर्वाइकल के फ्लेक्सेस के ऊपर, ठीक है. ये आपकी बेसिक टेक्निक है. आपने इंस्ट्रक्शन क्या पेशेंट को देनी है, सर्वाइकल के अंदर जब आप स्टेबलाइजेशन का एलिमेंट लाना चाहते हैं तो आपको याद होगा, आपको बताया था कि कैपिटल जो आपकी है ना, क्या उसको बोलते हैं, कैपिटल फ्लेक्शन, हेड और नेक की, अपर वर्टिब्राज की जो आपकी फ्लेक्शन है जब आप चिन को टक इन प्रोड्यूस करते हो, ठीक है. ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपकी इसी से स्टार्ट होनी है, यानी कि इसको आपने प्रोड्यूस करके रखना है, इसको आपने होल्ड करके रखना है, तो वो जो आपके सर्वाइकल रीजन के अंदर आपका मल्टीपोडस मसल है और लॉन्गेस्ट कोलाय मसल है, वो आपको इसी तरह से स्टेबलाइज करते हैं जैसे आपको ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का. अच्छा अब क्या है जनाब कि यहाँ पे ये आपकी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सपोर्ट से लेके मिनिमम सपोर्ट, यानी कि ये प्रोग्रेशन फेज आपको बताया हुआ कि जहाँ पे वो पोजीशन जिसमें आपकी मैक्सिमम सपोर्ट है और वहां तक हम पेशेंट को लेके जाएंगे विद टाइम, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पे उसकी मिनिमम सपोर्ट है. ये चेंज ऑफ पोजीशंस है, लाइक सुपाइन में सबसे मैक्सिमम सपोर्ट है, सिटिंग में आ जाएंगे जिसमें लेस स्टेबिलिटी है, स्टैंडिंग में वॉल सपोर्ट के साथ, और फिर स्टैंडिंग विद नो सपोर्ट. पोजीशंस आपकी ये चेंज होती रहेंगी, जो उसके अंदर टेक्निक्स हैं, जो उसके अंदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करनी है, वो सेम की सेम रहेंगी हर किसी के अंदर. अब वो क्या है, अब इधर आ जाते हैं. को
कोर की एक्टिवेशन आपको बताया कि जो आपकी एक्सियल एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसको हम सर्वाइकल रिट्रैक्शन भी बोल रहे हैं, जो सर्वाइकल या कैपिटल फ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, आपने वो पेशेंट से प्रोड्यूस करानी है, होल्ड देना है 10 सेकेंड्स का और 10 टाइम्स उसको रिपीट करा के आपने कोर को एक्टिवेट करा लिया। अब हम जितनी भी मूवमेंट्स करेंगे उसमें हम जो एक्सियल एक्सटेंशन है उसको प्रोड्यूस करते हुए ये काम करेंगे, पेशेंट एक्सियल एक्सटेंशन के अंदर ही रहेगा। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, आ जाइए, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट इस फेज के अंदर आया, मैक्सिमम टू मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज है, उसके अंदर हम क्या करें, उसके अंदर हमारे पास सुपाइन के अंदर पेशेंट होगा, आप कोर की एक्टिवेशन आप करा लेंगे और आपने क्या काम करना है, सिंपल शोल्डर की फ्लेक्शन करनी है, करवानी है 90 डिग्रीज तक, सिंपल बस इतना सा काम है। कैपिटल एक्सटेंशन के साथ, आप एक्सियल एक्सटेंशन के साथ आप क्या करेंगे कि पेशेंट की 90 डिग्रीज के ऊपर फ्लेक्शन आपने प्रोड्यूस करा ली, इसकी आप रेपिटेशन जो है वो पेशेंट से करवाएंगे, होल्डिंग कराएंगे, होल्ड देंगे 5-10 सेकेंड का एंड देन आप उसको वापस, देन आप उसको रिपीट करें, रेपिटेशन जो है वो बेसिकली आपका असल फोकस। पहली चीज आ गई। अगली एक्सरसाइज क्या है, इसी फेज के अंदर शोल्डर की एबडक्शन 90 डिग्रीज का, सेम चीज, सुपाइन लाइन, कोर एक्टिवेशन, सब कुछ वही रहेगा। आप किधर हम जा रहे हैं, शोल्डर की एबडक्शन के ऊपर बी पोजिशन पर। अब आप उसी तरह से कैपिटल जो फ्लेक्शन है या एक्सियल एक्सटेंशन आप उसको प्रोड्यूस करते हुए पेशेंट से क्या करेंगे, एबडक्शन कराएंगे 90 डिग्रीज, ठीक है। अगली चीज आ जाती है इसी फेज के अंदर, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन विद आर्म्स एट साइड, सी पार्ट, आर्म्स को साइड पे रखते हुए आप क्या करवाएंगे, एक्सटर्नल रोटेशन, सिंपल है। फोकस किस चीज के ऊपर है, स्टेबलाइजेशन, जो आपको कहां से आ रही है, ये कोर एक्टिवेशन, इसका ख्याल रखना है, बाकी मूवमेंट सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके। अगला फेज आ जाता है हमारे पास, अब मॉडरेट टू मिनिमम प्रोटेक्शन के अंदर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की फ्लेक्शन एंड रेंज तक, ठीक है, ये डी पार्ट के अंदर अब शोल्डर की फ्लेक्शन एंड रेंज तक ओवरहेड के अंदर जा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से अब क्या है, शोल्डर एबडक्शन विद कंबाइंड विद एक्सटर्नल रोटेशन टू एंड रेंज, अब हम चीजें बढ़ा रहे हैं, अब जो हम मूवमेंट है ना उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, डायगोनल पैटर्न, डायगोनल पैटर्न क्या चीज है, ये लेफ्ट से ये राइट साइड है, राइट आर्म को आप लेफ्ट साइड के ऊपर लेकर आए, लेफ्ट से वापस लेके जाए राइट साइड, दूसरा बाजू है उसको डायगोनल पैटर्न्स के अंदर जो है वो आप क्या करें, मूवमेंट प्रोड्यूस करें विद कोर एक्टिवेशन। अब कोर की जब आपने एक्टिवेशन कर रखी है तो एट दैट टाइम आप आपकी लिम्स की जो भी मूवमेंट होगी उसका जो टोल है, उसका जो स्ट्रेस है, वो आपकी स्पाइन पे नहीं आएगा, और यही हमारा फोकस है कि हमने स्पाइन की स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव करना है, हमने कंट्रोल को इम्प्रूव करना है बेसिकली, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये टेबल है, अब इसमें मिनिमम जो प्रोटेक्शन फेज आ जाएगी उसमें आप मजीद प्रोग्रेस करो, रीचिंग फॉरवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, इन फंक्शनल पैटर्न्स के अंदर स्टैंडिंग की तरफ जाओ, पोजीशन की तरफ जाओ। अब यही सारी एक्टिविटीज आप डिफरेंट जो है वो सपोर्ट फेजेस के अंदर कर सकते हैं, लाइक आपके पास मैक्सिमम टू मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज था, आपने ये तीन एक्सरसाइजेस पहले सुपाइन में कराई, फिर आप सिटिंग में कराओ, स्टैंडिंग विद वॉल्स सपोर्ट, फिर स्टैंडिंग विद नो सपोर्ट के साथ करो, देन मूव टू मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज। अब पेशेंट इस वक्त इतना काबिल हो गया होगा कि अब वो मॉडरेट फेज के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेस को प्रोड्यूस कर सकता है, या पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपके पास एक पेशेंट मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज का आया है लेकिन उसकी सपोर्ट का ये है कि वो स्टैंडिंग विद नो सपोर्ट के साथ एक्टिविटीज कर सकता है, तो आप उसको स्पाइन में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको स्ट्रेट अवे आप मिनिमम सपोर्ट के अंदर रखो पेशेंट को। तो ये बेसिक आपको ना ये गाइडलाइन दी हुई है कि आपने जो लिम्ब के ऊपर लिम्ब लोडिंग जो करानी है विद स्टेबलाइजेशन वो कैसे करानी है,
जब एम्फेसिस आपका कहाँ है, सर्वाइकल फ्लेक्सस के ऊपर अगर आपका बेसिक एम्फेसिस है तो ये आपके पास एक गाइडलाइन है, आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे। अब आ जाती है एम्फेसिस जब आपका सर्वाइकल और थोरेसिक एक्सटेंसिस के ऊपर हो। अब अगेन इंस्ट्रक्शन वही रहेगी, कोर की एक्टिवेशन बिल्कुल वही रहेगी। अब इसमें जो है वो आपका क्या आ जाएगा एक्टिविटी, जो मूवमेंट आ जाएगी, क्या आप, क्योंकि अब आप प्रोन लाइन के अंदर हो तो पेशेंट का आप क्या करोगे, लिफ्ट करोगे फोरहेड ऑफ द एक्सरसाइज मैट, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए और 10 रेपिटेशन कराने पे आप कोर की एक्टिवेशन करा दोगे। अब जितनी एक्सरसाइजेस होंगी वो आपकी फोरहेड लिफ्टिंग के साथ ही होंगी, कि फोरहेड को लिफ्ट करके रखना है, होल्ड करके रखना है और बाकी सारी एक्टिविटीज आप इसी तरह से प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या है, अगेन ये आपके 4 आपको स्टेजेस सपोर्ट की दी हुई है और ये लिम लोडिंग की है, ये आपके फेजेस हैं। अब इसके अंदर मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं किस तरह से, कि सबसे पहले जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है उसमें आर्म्स एट साइड, लैटरली रोटेट शोल्डर्स एंड एडक्ट स्कैपुला, कैसे ए पिक्चर के अंदर आ जाओ, प्रोन लाइन पोजिशन, फोरहेड लिफ्ट किया हुआ है, कोर की एक्टिवेशन की हुई है, आर्म्स आपकी साइड पे हैं, उसको आपने क्या करना है कि लैटरल रोटेट किया आपने आर्म्स को और उसके बाद शोल्डर्स को क्या किया, सॉरी जो स्कैपुलाज हैं उनको एक दूसरे की तरफ एडक्ट किया, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को या स्कैपुला के जो बॉर्डर्स हैं उनको मिलाने की कोशिश करनी है, एडक्शन हो रही है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली कहाँ पे, थोरेसिक के ऊपर। स्टेबिलाइजेशन कहाँ से आ रही है, कोर से आ रही है, पहली आपकी एक्टिविटी ये होगी। अब आप दूसरी केस पे जाएंगे, आर्म्स को 90-90 पोजीशन के ऊपर ले आए, ठीक है, अब ये 90-90 पोजीशन के ऊपर आ गया, आपका एंगल बन गया और अगेन आप क्या करें, एडक्ट करें, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी विद स्टेबिलाइजेशन फ्रॉम द कोर मसल्स। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडरेट के अंदर अगर हम बात करें, एलिवेट शोल्डर इन फुल फ्लेक्शन, थर्ड पोजीशन आपकी क्या आ गई, एलिवेट आपने किया फुल फ्लेक्शन के साथ विद कोर स्टेबिलाइजेशन। अपर एक्सट्रीमिटी डायगोनल पैटर्न्स, अगेन वही कि डायगोनल पैटर्न्स के अंदर जब आप मूव करेंगे ये आपकी आगे अगली जो है वो एक्टिविटी आ जाती है। फिर आपकी मिनिमम टू नो जो आ जाती है नो प्रोटेक्शन में, उसमें आप स्टैंडिंग के अंदर रीचिंग फॉरवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड पोजिशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और स्टैंडिंग में विद नो सपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। आप जैसे ये आपकी लास्ट की है, शोल्डर 90 डिग्रीज विद लैटरल रोटेशन, एल्बो एक्सटेंडेड, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, स्कैपुलर एडक्शन, की ये सारी चीजें जब आप प्रोड्यूस करते हैं ये आपका अल्टीमेट आपकी मतलब वो प्रोग्रेशन की तरफ हम उसको पेशेंट को लेके जा रहे हैं और साथ में स्टेबलाइजेशन, कि स्टेबलाइज आपने किया हुआ है और जैसे जैसे आप मूवमेंट्स को कॉम्प्लेक्स करते चले जा रहे हो, बट क्योंकि स्टेबलाइजेशन का इफेक्ट है तो पेशेंट आपका विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, वो उसको अच्छे से उसमें स्किलफुल होता चला जाएगा, ट्रेन होता चला जाएगा। ये दो चीजें थी आपकी सर्वाइकल की, ठीक है, फ्लेक्सस और एक्सटेंसिस को हमने देखा। अब आ जाते हैं लंबर रीजन के ऊपर। अब लंबर रीजन के अंदर क्या है, लंबर रीजन में आपकी जो लिम लोडिंग है उसमें अगर हम सबसे पहले एम्फेसिस करें एब्डोमिनल्स के ऊपर, ठीक है, कि एब्डोमिनल्स को जो है वो आपने उसकी लिम लोडिंग हो रही है, एब्डोमिनल्स को हम फोकस कर रहे हैं। अब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने पेशेंट को देनी है, हुक लाइन पोजिशन के अंदर आना है, आप प्रेशर बायो फीडबैक यूज कर सकते हैं, उसका प्रेशर वगैरह बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्रॉइंग इन मैन्यूवर, यहाँ पे कोर की स्टेबलाइजेशन आपको कहाँ से आएगी, ड्रॉइंग इन मैन्यूवर से, ठीक है, पेल्विस स्टेबलाइज होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्रेसिव लिम लोडिंग है, अब ये पोजीशन ऐसी है जिसमें लिम की लोडिंग जो है वो कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, पोजीशन अभी बताती हूँ किस तरह से। ये आपकी क्या है जनाब, मिनिमम एक्सटर्नल सपोर्ट लेवल 1 के ऊपर, आप क्या, ये अब लेवल्स आ रहे हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम जाएंगे। कोर की एक्टिवेशन आप लेवल 1 के ऊपर करते हैं जो कि क्या है, ड्रॉइंग इन मैनोवर, होल्ड 10 सेकेंड्स, रेपिटेशन आपने कराई पेशेंट को, एक्टिवेशन आपने कोर की करवा दी। अब बाकी जितनी एक्सरसाइजेस हैं, जितने लेवल्स हैं, उसमें आपने कोर को एक्टिवेट रखते हुए ये काम करना है।
अच्छा जी, लेवल टू पे हम सबसे पहले क्या करेंगे उसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, पिक्चर भी दिखा देती हूँ। एक लेग को हम यूज करेंगे, एक लेग जो है वो आपकी मैट के ऊपर रहेगी और दूसरी लेग जो है वो बेंड लेग फॉल आउट, किस तरह से, ये देख, ये लेवल टू है। एक लेग जो है वो आपकी बेंड रहेगी, मैट के ऊपर रहेगी, इसका कोई काम नहीं है, हम एक लेग को यूज करेंगे। अब इस हुक लाइन पोजीशन में इस टांग को अगर आप फॉल आउट करो, एब्डक्शन में लेके जो आप बाहर की तरफ, जैसे कहते हैं ना गिरा दो, अगर ये नी को आप अपने बेड की तरफ जो है वो लेके जाओ, फॉल आउट करो, गिरा दो इस लेग को, तो ये बेसिक आपका ये सिंपल एक छोटी सी मूवमेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर आपका जो कोर है वो स्टेबलाइज रहना चाहिए, कोर के ऊपर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, कोर जो है वो इसके साथ साथ मूव नहीं करना चाहिए, वो जहां पे ड्रॉ इन आपने किया हुआ है वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या है, ये आपकी रेपिटेशन आप इसमें पेशेंट को प्रोड्यूस करा, तो ये सिंपल लेवल टू बस इतना सही है। असल काम कहाँ से शुरू हो रहा है, लेवल थ्री के ऊपर जाके। लेवल थ्री में अब हम क्या करेंगे कि ए बी और सी, ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन हम वन बाय वन हम प्रोड्यूस करेंगे। पहले ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे। पोजीशन हमारी क्या होगी, ऑपोजिट लोअर लिम्ब इज ऑन द टेबल, एक लिम्ब आपका टेबल पे रहेगा जैसे अभी पहले लेवल टू में था, दूसरे लिम्ब के हम पहले ए मूवमेंट कराएंगे, फिर बी कराएंगे और फिर सी कराएंगे। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, लेवल थ्री में आप सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिम्ब तो आपका टेबल पे है, इसको हमने 90 डिग्रीज के ऊपर लिफ्ट कर लिया, पहली मूवमेंट लिफ्ट किया कोर की एक्टिवेशन के साथ, कोर को नहीं छोड़ना, 90 के ऊपर आपने क्या किया, इसको लिफ्ट किया। सेकंड बी मूवमेंट क्या है कि उसी लिम्ब को आपने ड्रैग किया है बेड के ऊपर और एक्सटेंशन के अंदर ले गया, 90 से एक्सटेंशन के अंदर ले गया। थर्ड उसकी मूवमेंट क्या आ गई कि आपने वो जो एक्सटेंडेड लिम्ब था उसको लिफ्ट करना है एटलीस्ट 45 डिग्रीज एंगल तक विद द होल्डिंग ऑफ कोर मसल्स, ठीक है, कोर मसल्स आपके इनवर्ड ड्रॉ मैन्यूवर के साथ जो है वो रहने चाहिए। ये आपका लेवल थ्री है, लेवल थ्री पे पेशेंट को आप स्टेबलाइज करें, उसको ट्रेन करें, ठीक है। ये आपका फेज बनता है जो कि अभी इसमें फेजेस की बात नहीं है कि मैक्सिमम से अब हम मिनिमम एक्सटर्नल सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब लेवल फोर के ऊपर अगेन क्या होगा, इस पे आ जाते हैं। लेवल फोर में अब आप एक वो जो लेग थी टेबल के ऊपर, अब आप उसको उठा लेंगे और उसको आपने होल्ड कर लेना, अभी भी उसका काम कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि आपने अपने दोनों हाथों से उसको होल्ड करके रखा हुआ है। मूवमेंट अगेन क्या होगी, दूसरी लिम्ब की 90 डिग्रीज तक लिफ्ट करना, फिर उसको ड्रैग करना, एक्सटेंड करना और एक्सटेंडेड लेग को 45 तक लिफ्ट करना। अब देखो, अब वो जो टोल है ना, वो जो लिम्ब की लोडिंग है, वो बेसिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है विद एवरी मूवमेंट, विद ईच मूवमेंट। अब अगले लेवल पे हम क्या करेंगे, वो जो हमने हाथ से सपोर्ट ली हुई थी ना, अब हमने वो भी नहीं लेनी, बढ़ गया लोडिंग, बढ़ गई है कोर की एक्टिवेशन का काम ज्यादा हो जाएगा, कोर की स्टेबलाइजेशन बेसिकली क्या हो रही है, अब बढ़ रही है यहाँ। अब यहाँ पे हमने हाथ भी छोड़ दिया, अब ये लिम्ब ऐसे ही रहेगा, हवा में ही इसको स्टेबलाइज रखना पड़ेगा, 90 के ऊपर लिफ्ट करोगे, एक्सटेंड करोगे, ड्रैग करोगे और एक्सटेंडेड लिम्ब को 45 पे लिफ्ट करोगे, बढ़ गया प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस हो रही है, लिम्ब की लोडिंग बढ़ रही है। अब लेवल सिक्स पे आ जाओ, अब आपको दोनों लिम्ब्स को इकट्ठा काम करना है, ये बड़ा मुश्किल काम है, दोनों लिम्ब्स को जब इकट्ठा मूव करना पड़ता है, वो अगर आपकी कोर की स्टेबलाइजेशन नहीं है, कमर थक जाती है, कमर के ऊपर जो है वो दर्द होनी शुरू हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, दोनों लिम्ब्स को इकट्ठे 90 डिग्रीज तक फ्लेक्शन करेंगे, दोनों लिम्ब्स को इकट्ठा ड्रैग करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और दोनों लिम्ब्स को इकट्ठा आप क्या करोगे, लिफ्ट करोगे 45 डिग्रीज तक। ये मैक्सिमम आपकी जो है ना वो लोडिंग है विद मिनिमम सपोर्ट। तो मिनिमम सपोर्ट, जब आपको एक्सटर्नल कोई बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो सपोर्ट आपको कहाँ से आएगी,
वो आपके कोर ने आपको स्टेबलाइज करना है, वो आपके कोर ने आपको सपोर्ट करना है। अगर कोर आपका स्टेबलाइज नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, ये मूवमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी। वैसे ये लेवल सारे हम एक साथ ही करवाएंगे या मतलब इंटरवल्स के बाद करवाएंगे? नहीं देखो, पेशेंट आपके पास लेवल 3 पे आएगा, लेवल 3 में उसको जो है वो ट्रेन करते रहो करते रहो करते रहो जब तक कि उसकी लेवल 3 की स्टेबलाइजेशन पूरी नहीं होती, देन मूव टू लेवल 4। क्योंकि अगर आप पहले ही दिन पेशेंट को 6 पे लेके जाने जाओगे, नहीं जा सकोगे, स्टेबलाइजेशन ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो कैसे पेशेंट ये काम करेगा। पहले लेवल 3 के ऊपर ट्रेन करेंगे, प्रॉपर टाइम उसको देंगे सेशंस के अंदर, फिर लेवल 4 पे जाएंगे, इसमें जब वो पूरा स्किलफुल हो जाएगा फिर 5 पे आएंगे, फिर 6 पे आएंगे। सेम पेशेंट खुद कर रहा है ना सारी अपनी एक्सरसाइज, तो मैम अभी तो हम लोग जब हम खुद करवाएंगे वो तो जैसे वो उसने हैंड के साथ सपोर्ट किया हुआ तो थेरेपिस्ट करवाएगा ना पहले? अच्छा वैसे मुझे आप समझ नहीं आया आपने क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा जो है ना डिस्टॉर्शन थी और आवाज गूंज रही थी। देखिए हम लोग जब थेरेपिस्ट करवाएगा वो तो थेरेपिस्ट उसको सपोर्ट देगा और उसको उसकी करवाएगा ना, लेकिन जब वो घर पे जाएगा तो वो खुद ही अपनी लेवल करेगा ना? हाँ बिल्कुल, घर के अंदर तो उसको खुद करना पड़ेगा। अब जो सपोर्ट यहाँ पे भी ज्यादा थेरेपिस्ट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रही है, यहाँ पे भी जो सपोर्ट है उसको एक ये टांग सपोर्ट कर रही है, पहले यहाँ से हाथ सपोर्ट कर रहा था, आगे ये लेवल्स के अंदर आपका कोर आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कम। असल में ये सारे काम पेशेंट ने खुद ही करने हैं, आपका काम क्या है आपने देखना है कि वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। आपका काम इंस्ट्रक्शंस देने का है, आपका काम कोर को एक्टिवेट करवाने का है, वो जो ड्रॉइंग इन मैन्यूवर कराना है वो आपका काम है कि उसकी टेक्निक सही हो, सही से अप्लाई हो रहा है, देन ये सारे काम पेशेंट खुद करेगा। लेवल्स की इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, कब किस लेवल पे लेके जाना है, ये आपका काम है। मैम इन एक्सरसाइजेस की कोई वीडियो नहीं है, ऐसे समझ नहीं आ रही। वीडियो कोशिश करेंगे मिल जाए, अगर मिलती होगी तो मैं जरूर आपको जो है वो बता दूंगी, दिखा भी दूंगी। कुछ और एक्सरसाइजेस है वो शायद आप लोगों ने देखी हो। अगला जो लास्ट हमारा रह गया है, ट्रंक के एक्सटेंसेस को अगर हमने फोकस करना हो, ये आपने अक्सर ये चीजें देखी होंगी। इसमें भी हमारे पास क्या है कि ये लोअर इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस से हम ग्रेटर इंटेंसिटी के ऊपर जाते हैं। दो पोजीशंस में हम ये करते हैं, क्वाड्रप पोजीशन होती है और एक प्रोन लाइन पोजीशन। प्रोन लाइन के अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्वाड्रप के अंदर जो है ना वो कम होती है। अब इसमें आपको जो है ना ये एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्सरसाइजेस आपने अक्सर देखी होंगी, डिफरेंट जिम टेक्निक्स के अंदर आपने देखी होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रप पोजीशन के अंदर पेशेंट को सिर्फ एक आर्म जो है ना वो लिफ्ट कराते हैं कि इसमें ड्रॉ इन मैन्यूवर टेक्निक अप्लाई करे, अपने कोर को स्टेबलाइज करे और फिर अपना सिर्फ एक लिम्ब उठाए और उसको होल्ड करके रखे। जब पेशेंट इसमें स्किलफुल हो जाता है फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी एक लिम्ब को ड्रैग करे, इस पोजीशन से एक्सटेंशन पे लेके जाए, लेकिन उठाना नहीं है, सिर्फ ड्रैग करना है। ठीक, वापस फ्लेक्शन पे, फिर एक्सटेंशन पे, फ्लेक्शन पे, फिर एक्सटेंशन पे, उसको होल्डिंग विद कोर एक्टिवेशन। थर्ड पे हम क्या करते हैं कि उस लिम्ब को अब आपने लिफ्ट करना है एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, अब ये स्टेबलाइजेशन कहाँ से आ रही है, कोर से आ रही है, ये आपकी थर्ड जो आपकी प्रोग्रेशन का जो स्टेज आ गया वो ये आ गया। फोर्थ पे हम क्या करते हैं कि एक लेग जो आपने लिफ्ट की है उसका कॉन्ट्रा लेटरल अब बाजू भी आपको लिफ्ट करना है, यानी कि 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट से अब आप सिर्फ 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ जाओगे डायगोनल पैटर्न के अंदर। राइट आर्म अगर उठाया हुआ है, लेफ्ट लेग उठानी है। इसी तरह से ऑपोजिट कॉन्ट्रा लेटरल लिम्ब्स को आपने क्या करना होता है, होल्ड करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है, और वो हेल्प आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको कोर से मिलती है। कोर की एक्टिवेशन अगर नहीं है ये आप काम नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी तो आपकी लिम्ब के ऊपर जो सॉरी जो स्पाइन है उसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा आएगा। अब ये क्वाड्रप पोजिशन है, ठीक है, क्वाड्रप पोजिशन में जब पेशेंट आपका इतना स्किलफुल हो गया है देन आप उसको प्रोन के अंदर ले जाओ। प्रोन में करना बहुत मुश्किल काम है, प्रोन में ही एक्टिविटीज करना बहुत मुश्किल है। प्रोन में आप स्ट्रेट लेग रेज कराते हो पहले सबसे पेशेंट को, एक लेग आपने उठवाई, बाईलैटरल स्ट्रेट लेग रेजिंग उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, दोनों टांगे इकट्ठी प्रोन में नहीं उठाई जाती। फोकस आपका क्या होना चाहिए कि पेशेंट आपका नी जो है ना वो अपना बेंड ना करे। नी बेंड करेगा तो एक्टिविटी जो है उसका जो असल फोकस है ना
वो रिड्यूस हो जाए। और थर्ड पे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपकी टोल आता है या लोडिंग आती है वो क्या है कि दोनों आपने स्ट्रेट लेग रेजिंग तो की है, बाइलेटरल स्ट्रेट लेग रेजिंग, और साथ में आपको यहाँ से अपना हेड भी लिफ्ट करना होता है, हेड और आर्म्स यानी अपर बॉडी को भी लिफ्ट करो और इसको भी लिफ्ट करो, ये एक तरह का सुपरमैन पोस्टर जो है वो बन जाता है। कि सुपरमैन का वो जो पोस्टर है वो आपको परफॉर्म करना वो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीजें तब जाके आती है जब आपकी कोर की आती है। मैम ये जो ई वाली डायग्राम है और जो एफ वाली, इसमें पेशेंट का हेड जो है नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ, समझ नहीं आ रही। ई और एफ में आप अपर जो बॉडी पार्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी पार्ट के अंदर आपकी अपर बॉडी को भी आप इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम लोडिंग है, इसमें हमने मिनिमम लोडिंग रखनी है। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम प्रोजेक्शन का फेस में उस मैम जी वाली जो डायग्राम है उसमें उसने अपना सर उठा के रखना है। हाँ जी, इसमें अपने सर को भी लिफ्ट करना है, लिम्स को भी लिफ्ट करना है, इनमें सिर्फ लिम्स है, एक में यूनिलैटरल एक में बायलैटरल। चलो दो तीन सिर्फ आपकी स्लाइड रह गई है कि अब बाकी के जो आप स्टेबिलाईजेशन एक्सरसाइजेस है उनको वेरी कैसे कर सकते हो, उसको प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, मसल एंड्योरेंस के थ्रू, एक्सटर्नल प्रॉप्स जैसे कि अभी इस फीडबैक का आपको बताया प्रेशर फीडबैक वो यूज कर सकते हो, एक्सट्रीमिटी की लोडिंग थ्रू डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ा सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस का एलिमेंट हमने कोई ऐड नहीं किया था, आपने प्रोग्रेस करना है पेशेंट को, आप इन सारों में स्किलफुल हो गए, अब आप उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एलिमेंट ऐड कर दो, वेट्स डाल दो, थारा बैंड को यूज कर लो, पोजिशन को चेंजेस कर लो, अनस्टेबल सर्फेसिस लाइक वो जिम बॉल जो होता है उसको यूज कर लो, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी वैसे ही बैलेंस का इशू आता है, पेशेंट उसको भी जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी करती हैं। एक हाउस वाइफ अगर आ रही हैं उनको जिम बॉल पे एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं है, उनका काम ही नहीं है। हाँ एक एथलीट आपके पास आता है उसकी तो रिक्वायरमेंट है कि आप उसको हर लिहाज से मैक्सिमम जो उसकी स्टेबिलिटी है वो लेकर आओ, वहां पे अगर आप जिम बॉल भी लानी पड़ती है, अनस्टेबल सर्फेसिस भी लानी पड़ती है तो आप उसको यूज करें। तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी होती चली जाएंगी। आइसोमेट्रिक है जो कि आपकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है, डायनामिक एक्सरसाइजेस में रेजिस्टिव ट्रेनिंग आ जाती है कि आप फिर उसमें रेजिस्टेंस का एलिमेंट लाते हैं और आप उसकी रेपिटेशंस को बढ़ाते हैं ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। और आखिर में आप इसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को ला सकते हो। अब ये सारी फंक्शनल एक्टिविटीज आ जाती हैं, अब उसमें आप पेशेंट की एरोबिक एक्सरसाइजेस को ऐड कर सकते हो, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग आप करा सकते हो, स्विमिंग है, एरोबिक डांसिंग है, ये सारी आपकी क्या है आपके जो सीवीएस सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको इन्वॉल्व करेगा और आपकी कंडीशनिंग जो है वो होगी ओवरऑल बॉडी, और फंक्शनल ट्रेनिंग जो है वो फिर आगे साथ में आप पेशेंट की जो फंक्शनल नीड्स हैं उनको सामने रखते हुए फिर पेशेंट को आप ट्रेन करते हो। तो बेसिकली आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स थी, स्ट्रेंथनिंग उसकी सॉरी स्टेबलाइजेशन के ऊपर हमने फोकस किया है ज्यादा कि कोर को जो है वो आपने किस तरह से स्टेबलाइज रखना है विद एवरी मूवमेंट। ठीक है, पेशेंट को आपने किस तरह से लेके चलना है और आपकी ये आइसोमेट्रिक और डायनामिक एक्सरसाइजेस को देखना। अब होपफुली चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियोस का ये काम करें, आप थोड़ा सा इसको सर्च आउट करें, खुद सर्च आउट करें, आप YouTube खोलें, उस पे कोर स्टेबलाइजेशन जो है उसको सर्च करें, उसकी जो एक्टिविटीज निकलेंगी, उसकी जो एक्सरसाइजेस निकलेंगी उनको जरा गौर करें, उनके ऊपर फोकस करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को देखें और उससे जो है ना वो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम लगता है उसमें समझ नहीं आएगी तो फिर ज़रूर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा काम अब आप लोग खुद भी करें, इसको थोड़ा सा सर्च आउट करें। ठीक है मैम, जो एल ई लिखा हुआ था ऊपर और यू ई मैम वो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब लिखा हुआ था, एक्सट्रीमिटी है लोअर अपर एक्सट्रीमिटी। हाँ जी, यू ई का मतलब है अपर एक्सट्रीमिटी और एल ई का मतलब है लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, एब्रिवेशंस लिखी हुई थी। ठीक है, ये लोअर एक्सट्रीमिटी और ये अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक हो गया। चलो आज हमने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, 5 मिनट हमने ऊपर कर दिए हैं लेक्चर के,
इसको खत्म करते हैं लेक्चर को, पढ़ लीजिएगा बुक के अंदर, आपकी बड़ी अच्छी बुक है ये, इसके पिक्चर्स के साथ सारी चीजें, टेबल्स, ये सारे के सारे आपकी बुक में से लिए हुए हैं, इनको जो है ना वो अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगली जो आपकी असाइनमेंट होगी ना, वीडियो असाइनमेंट, वो मैंने कोर की जो है ना वो स्टेबिलाईजेशन से रिलेटेड आपको देनी है, तो इसको जो है ना वो अच्छे से समझ लें, वीडियोज देखें, खुद परफॉर्म करके देखें, बुक को पढ़ें, ताकि आपके असाइनमेंट जो है ना वीडियो असाइनमेंट वो अच्छी जो है बने और आपकी वो ग्रेडिंग जो है वो अच्छी हो। मैंने पहले बता दिया आपको टॉपिक। मैम जो आपने चीजें एक्सप्लेन की पिक्चर्स देख के, वो सारी बुक में होंगी ना एक्सप्लेनेशन वगैरह? बिल्कुल, ये सारा कुछ बुक से बना हुआ है, सारे के सारे टेबल्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर है, पिक्चर्स की एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है, सिर्फ इसको टाइम लगाना पड़ेगा, बुक खोलनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, बुक से बाहर कुछ भी नहीं। मैम हमारी जो वीडियो असाइनमेंट होगी काइंडली उसका टाइम ज्यादा रखिएगा, क्योंकि हमारा जो है अभी क्विजेस में चल रहे हैं नेक्स्ट वीक। अच्छा चलो ठीक है, टाइम दे दूंगी ज्यादा, ठीक है। मैम आप क्विज एक ले सकती हैं? यस मैम। बेटा क्विज एक ही लेना था और डायरेक्टर साहब की तरफ से ये चीज अप्रूव्ड है कि एक ही क्विज होगा, क्योंकि दो का मैंने हमको नहीं बताया, तो मैं अब इसको चेंज फिलहाल नहीं कर सकती। मैम इसकी वेटेज उतनी रहेगी? बिल्कुल वेटेज भी उतनी रहेगी, वेटेज को भी मैं चेंज नहीं कर सकती ना, मैं कहाँ से चीजों को पढ़ाऊंगी फिर। यूट्यूब पे जो मैंने आपको बताया है, वो मैंने आपको ये बताया है कि आप कोर की स्टेबिलाईजेशन टेक्निक्स जो है वो यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियोज आपको बहुत सारी रिलेटेड मिल जाएंगी, उनको खोलें, उनको देखें, उनकी एक्टिविटीज को देखें, एक्सरसाइजेस को देखें कि किस तरह से परफॉर्म की जा रही हैं, ड्राइंग इन मैन्यूवर की टेक्निक निकाल के देखें, ताकि आपको चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपके लिए। मैम जी बेटा, मैम मैंने जब क्विज ज्वाइन किया था तो उसके बाद मुझे सिर्फ 9 मिनट्स मिले थे, मुझे उसकी समझ नहीं आई, मैंने आपको ना पिक्चर भी भेजी थी उसकी, जबकि मैंने टाइम पे खोला था लेकिन मुझे 9 मिनट्स मिले थे, ऊपर टाइम मेंशन ठीक वाला है, मुझे 15 मिनट्स का टाइम मेंशन, लेकिन मेरा सिर्फ 9 मिनट्स के अंदर हुआ है, उसके बाद बंद हो गया था मेरा। मैम उस इशू का, मैम वो ना वो साइड जो है वो बहुत हैवी भी हो गई थी, और मुझे उन्होंने मेंशन भी किया कि आपको सिर्फ 9 मिनट्स मिले हैं, आपको बाकी टाइम जो है वो मतलब उन्होंने जल्दी क्लोज कर दिया था। मैम उसकी समझ नहीं आई मुझे, उस जल्दी की वजह से काफी चीजें ऐसी थी जो खराब भी हुई फिर। बेटा क्विज का एक टाइम होता है ना जिसके ऊपर वो ओपन हो रहा है, और एक मैक्सिमम टाइम है जिसके ऊपर वो क्लोज हो जाएगा। आपको 15 मिनट का टाइम था, लेकिन मैंने 25 मिनट्स के लिए जो है वो क्विज ओपन रखा था, ताकि यही चीजें कि अगर किसी का लेट ओपन हो रहा है तो थोड़ा बहुत आगे, आपके सबके लिए 15 मिनट थे, बट आपने जब ओपन किया था आपके लिए जो टाइम टोटल क्विज के बंद होने के दरम्यान में सिर्फ 9 मिनट ही रह गए थे आपको। मैम 15 पे ही ओपन हुआ था वो, मैंने ऊपर ना टाइम मेंशन है 15 to 24 का, लेकिन उसके बावजूद 9 मिनट्स मिले मुझे, टाइम ओपन और क्लोज का दोनों मेंशन है। बेटा 6:15 पे ओपन हुआ था राइट? यस मैम। 6:25 पे तो टोटल टाइम था ना क्विज का बंद होने का। यस मैम, लेकिन मैम मुझे 9 मिनट्स मिले, मैंने वो भी उसी चीज की कंफ्यूजन है, वो मैंने आपको पिक्चर भेजी है, उधर मेंशन भी है ओपन एंड क्लोज, लेकिन उसके बावजूद 9 है। तो 9 मिनट्स ही बनते हैं ना बेटा, और कैसे, 25 मिनट के बाद तो क्विज खुला ही नहीं था, खुल ही नहीं सकता था, वो तो बंद हो गया, एक्सेस ही नहीं थी, तो आपको ज्यादा टाइम कैसे मिल जाता, बात समझ रहे हो? आपने खोला ही 15 मिनट के ऊपर है, तो 10 मिनट तो पीछे रह गए, इसका मतलब क्विज बंद होने में। ओके मैम ठीक है, ये गलती हुई ना, देर से आपने खोला। चलो खैर बहरहाल टाइम काफी ज्यादा ले लिया है आज मैंने, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। क्विज भी मैं तब तक आपका देख लूंगी, उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरा भी बोल बोल के ना आज बिल्कुल गला बैठ गया, तो मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रही हूँ। ठीक है जी, चलें फिर, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।